स्टार्ट करें तो वो जब उस चीज़ के बारे में हमें पता चला था तो उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे ये वो तो हम लोग की अगर बात करा जाए तो मी एंड आस वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हम लोगों को जब उस बारे में बताया गया था तो हम लोग ने डायरेक्टली बोल दिया था वी आर इन, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है मैसेज जो पहुँचना चाहिए लोगों तक, तो हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया फिर. आज की डेट में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम बात करना चाहेंगे इसके बारे में. और एज यू नो जस्ट बाय चांस देयर वाज आल्सो समथिंग एल्स इन द न्यूज व्हिच वाज काइंड ऑफ अ थिंग जिससे कुछ गलत चीज हो सकती थी. एंड आई एम सो हैप्पी के हमारा गाना इस टाइम पर आया और हमने इस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे दिल में मतलब सही चीज चल रही है. सो वेरी हैप्पी दैट यू नो एवरीबॉडी हैज कम टुगेदर टू डू समथिंग गुड. आई थिंक हमें यही चाहिए कि यंगस्टर्स टॉकिंग अबाउट करंट इश्यूज, लाइक लोग बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं लेकिन इन चीज़ों के बारे में कम होती है बात. सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक तो उसने खुद इनिशिएटिव लिया ये करने का और दूसरा लोग सुन रहे हैं बातें. सो विच वी कैन टेल बाय द व्यूज विच इज़ वेरी नाइस एंड हार्टनिंग के इंडिया में अभी भी वो स्पिरिट साथ में है यूनिटी की. बहुत अच्छा लगा, मजे आई सब एक साथ. वो वैसे तो सब हो नहीं पाते, अब सब बिजी रहते, तो इसमें बहुत मजे आई, साथ में काम करने मिला और एक अच्छे मैसेज देने मिला सबके लिए. इससे फैमिली भी खुश, दोस्त भी खुश, फैंस भी खुश, सब खुश. एक एक्साइटमेंट था जो फ्रॉम द स्टार्ट था कि ये शूट स्टार्ट हो रहा है, एक एक्साइटमेंट था. हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कब शूट स्टार्ट होगा, कब गाना आएगा, कब वो फ्लैश होगा, हम लोगों का फर्स्ट टाइम वीडियो देखने मिलेगा. पर वो जैसे भी हुआ सब स्लो स्लो बहुत अच्छा हुआ और आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ धर्म. अरे इवन आई राइट सॉन्ग्स एंड ऑल, तो मैं भी उस बारे में कभी उस जॉनर में मैं कभी गया ही नहीं था. इवन अब्दुल वो भी ये सब चीज़ के ऊपर लिखता था, जब उसने मुझे ये सब चीज़ बताई और ही वॉज लाइक कि वी आर पुटिंग अ मैसेज, सोशल मैसेज, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक शायरी या कुछ एक चार लाइन्स देने लिख के, तो उसने मुझे मजबूर कर दिया कि वो उस जॉनर में जाके सोचे. और मैंने फिर उस बारे में सोच के फिर मेरे दिल से जो जो निकला वो लास्ट की जो पैराग्राफ है वो मैंने लिख के दी, फिर हम लोगों ने वो किया. नहीं एक्चुअली हमने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि ये दिल से बात निकल रही थी और आई थिंक वी हैड द फेथ के लोग ये पहचानेंगे सही तरह से कि इसका यू नो इसका पूरा प्रिंसिपल क्या है. सो आई डोंट थिंक वी वर अफ्रेड, आई थिंक वी वर एक्साइटेड कि यू नो दिस वुड बी समथिंग, होपफुली पीपल विल लिसन टू दिस रादर देन लाइक आज के लोगों को बहुत कुछ है सुनने के लिए. But I'm happy that you know everybody is paying attention to. ज़्यादा से ज़्यादा लोग lyrics के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. जब वो चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो literally वो चीज़ observe कर रहा है इंसान के, हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है पर कोई बताता नहीं हमें, तो वही काम अब्दुल कर रहा है. वो आने वाला अभी मैं उसको और आगे जाएगा, उसको किसी कैरेक्टर से कंपेयर नहीं करेंगे हम या किसी आर्टिस्ट से कंपेयर नहीं करेंगे. वो वन साइड आगे चल के इंशाल्लाह वो सब क्या छोटा है, वो वहीं रह के देख रहा है, सब बाहर निकल के देख रहे हैं, वो वहीं रह के देख रहा है आज भी. तो जो बोल रहा है वो सब सच बोल रहा है, जो देख रहा है वो बोल रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि वो अलग ही रहे सबसे. बहुत बहुत धारावी से बहुत सपोर्ट है, मैं वहीं रहता हूँ तो वहाँ से बहुत सपोर्ट है, सब यही चाहते हैं. हम लोग की बिल्डिंग भी सब ऐसे ही है, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई, जो लाइन है ये देखी गई लाइन है, लोग साथ में रह रहे, फेस्टिवल साथ में बनाते हैं. और धारावी से ही बहुत सपोर्ट है, धारावी वाले भी खुश है कि हमारे बच्चे छोटे वो बाहर जा रहे, टीवी पे आ रहे, यूट्यूब पे आ रहे, तो उन लोग भी बहुत खुश है ये चीज़ को लेकर.
और ये चीज जो उस जगह से आया है वही इंसान क्लियरली बता सकता है। अगर कोई एक बाहर का आर्टिस्ट आके कोई धारावी के ऊपर कोई एक सॉन्ग लिखेगा या वहाँ का रहन सहन के ऊपर लिखेगा तो वो उतना उस चीज उसके डीप में नहीं जा पाएगा जितना अब्दुल जा चुका, क्योंकि वो उस जगह पे रहता है, वो सारी चीजें नोटिस करता है। रैपिंग में तो थोड़े कच्चे हैं हम लोग, बस ऑल द बेस्ट ही बोलूंगा मैं अब्दुल को, और इसी तरह अभी आने वाला फ्यूचर उसका बहुत ज्यादा ब्राइट है, वी कैन सी इट, बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे। और अब्दुल की लाइंस हम लोग भी नहीं बोल पाते, वो वही बोल सकता है, वो इनसे बेटर गाना गाता है, इन्होंने उसे रिकॉर्ड किया है, ही नोस इट बेटर। इन्होंने बाकायदा बोल दिया था डूड यू हैव अ यू नो, बहुत अच्छा कैसे बताइए आप ये चीज। सो रिकॉर्डिंग के वक्त भी मतलब फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे, मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड के ये इस पे बात हो रही है एंड सच अ यंग पर्सन इज थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो ये आई थिंक ये बहुत हार्टनिंग है कि आज का यूथ इस बारे में सोच रहा है। मस्त है यार, काफी उसने अच्छा मैसेज दिया है ना, मैसेज अच्छा है और मस्त, उसने थोड़ा सा मुंबई रखा है अंदर, तो वी लाइक इट, निकला हुआ लग रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक साथ आए और एक इंडिया की यूनिटी दिखाई दी जिस चीज़ में, और रिलीजन की यूनिटी, हम सब एक हैं, इतना अच्छा मैसेज उस पर इतना अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें बताया एक एक रैप के अंदर, तो मुझे शूटिंग वाइज, लिरिक्स वाइज, म्यूजिक वाइज बहुत अच्छा लगा। हाँ मतलब कमिंग आउट, हाँ मतलब इतने जहाँ छोटे लड़के में से भारी भारी वर्ड्स आ रहे हैं, एक धर्म अपने आप में इतना भारी वर्ड है, और टैलेंट की कोई उम्र थोड़ी होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं यार, मैं सरप्राइज भी था यार कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ लिखी है, तो अच्छा अच्छा कि वो पहले से लिखता है बट इतना उसका आ रहा है वो मुझे नहीं पता था, काफी अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा हमें तो, और क्योंकि अब जब देख के पता चलता है कि वो इतने अच्छे मैसेजेस देता है अपने इसमें, तो रैप तो बहुत लोग करते हैं लेकिन एक ऐसे मैसेज देना बहुत बड़ी बात है, तो वी वुड लव टू, तीन दिगड़ा वुड लव टू फीचर। है कि अभी हमारा जो चैनल है वो एक स्टेज पे ग्रो हो रहा है, तो एक बार हम कितना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर ले, कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की जहाँ से हम जो हम मैसेज एक्चुअली देना चाह रहे हैं वो बहुत मास तक पहुंच पाए, तो ये हमने सोच रखा है कि एक कुछ एक हमने हर मन में एक ऐसा मैसेज है जो मैसेज अब तक कोई टच नहीं कर पाया है, तो वो हम ऐसे टाइम पे देंगे जब हमारा बहुत एक बड़ा एम्पायर होगा, जहाँ हम बहुत लोग से टच में आ सके। आगे तो और बहुत है, हमने और बहुत शूट करके बैंक बना के रखा है, तो अच्छे अच्छे फन वीडियो जो आप लोग को हम पे भी ऐसी आएगी, हमारी हरकतों में भी ऐसी आएगी, तो बस हंसी आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, दिवाली स्पेशल, हाँ क्योंकि दिवाली में हम लोग थोड़ा इको फ्रेंडली बना रहे थे हम। अभी आपने बोला ना एज एन इन्फ्लुएंसर, तो वही पटाखे हमने पेट के अंदर फोड़े, बाहर नहीं फोड़े, हमने इन्फ्लुएंस भी किया था लोगों को कि प्लीज इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। स्पिचुला की जर्नी तो मैं जाके आया अब, हाँ तो मेरे दोस्त लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो अच्छा लग रहा है, और YouTube भी बहुत अच्छा चल रहा है। कि ऐसे ऐसे बच्चे जो इन्फ्लुएंस लेते हैं ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस लो कि वो लिखते हो आप तो उसको इम्प्लीमेंट करो तो ऐसा बनता है,
धीरे धीरे शुरुआत करोगे, आज वो बहुत टाइम से अब्दुल कर रहा है तब जाके अब उसने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। ऑब्वियसली वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, लाइक मैं कब से देख रहा हूँ कुछ ना कुछ लिख रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हाँ ऑब्वियसली जितने भी जो बच्चे हैं बहुत सारी चीज़ को लेकर गलत इंटरव्यू आते हैं उनको ये सीखने मिलेगा इससे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अब्दुल बहुत टाइम से लगा हुआ है तब जाके उसने अब लॉन्च हो रहा है, फाइनली मिला ना वो चीज़, तो फिर इसलिए। हाँ ऑल्सो बस सबको जो भी कोई करता है उसको सपोर्ट करो, प्यार दो, कभी हेट मत करो किसी को। लास्टली टू ऑल आवर फ्रेंड्स हम एक ही चीज बोलते हैं हमेशा कि जैसा आप प्यार हमेशा हमको देते हो वैसा देते रहिए, और एंड वील वर्क हार्ड कि हमेशा वीडियोस बनाते रहेंगे अच्छे अच्छे और आपके चेहरे पे स्माइल लाते रहेंगे। एंड आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा सॉन्ग था, और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ने तो सोचे भी नहीं थे कि मतलब इतनी क्रिएटिविटी है इसके अंदर, और अदनान ने भी नहीं सोचा था, मगर अदनान को जब उसने सुनाया, और अदनान तो स्टार्ट से हम लोग को बोलते आ रहा था कि अदनान अब्दुल्ला बहुत अच्छा रैप कर रहा है, अब्दुल्ला ही बोलता हूँ इसका, तो बहुत अच्छा रैप कर रहे है वो, तो उसने अच्छा ध्यान दिया उस चीज़ पर। एक बार मैं और अदनान फ्लाइट में ही थे, सब सो गए थे हम लोग जितने भी थे, हम लोग शूट से आ रहे थे, दुबई से आ रहे थे ना, हाँ तो ये बैठ के ना मतलब लिख रहा था लिखते लिखते फिर मेरे को सुनाया उसने, अदनान ने भी बोला देख ऐसा ऐसा है और ऐसा शूट करूँगा ये वो, मतलब सब इतने थके हुए थे तो भी अदनान मतलब इसमें ही लगा हुआ था कि मतलब ऐसा शूट करूँगा वैसा शूट करूँगा, और उसने किया बहुत अच्छा किया, जैसा बोला था वैसा ही वैसे ही किया। मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें टैलेंट छुपा हुआ है, हम सबको तो पता ही नहीं था, लेकिन धर्म बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत अच्छा रैप किया है, ऐसे लिरिक्स उसके हैं ना जो ऐसे लिरिक्स है कि हर एक के माइंड में भी आ जाएगा, कैची भी और बहुत अच्छा भी, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। सॉन्ग को लेके तो मैं यही पहले कहना चाहूँगा कि बहुत से बहुत ज़्यादा वायरल करो सॉन्ग को, और बहुत ज़्यादा टिकटॉक बनाओ, जितना ये वायरल होगा कंटेंट उतना अच्छा इफेक्ट गिरेगा सोसाइटी पे। और जो हिसाब से इसने कॉन्सेप्ट बनाया है धर्म का, और जो मतलब लोगों को बताया है कि क्या है और क्या नहीं है आज के टाइम पे, तो ये बहुत अच्छी बात है, और एक्सपेक्टेशन भी हमारी सोसाइटी से यही रहेगी कि मतलब जैसा है वैसा फॉलो करें। ज़रूर इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी ये लोगों को बताया, वो लोग सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं इन लोगों को बताया, मैं उसकी कुछ लाइंस में कोई आती तो मैं इन लोगों को मैं सबको वो लाइन सुनाया, और इन लोगों को जो हिसाब से मैं बताया मैं शूट का भी कि कैसे करेंगे, तो सभी बहुत एक्साइटेड है, और आप लोग भी एक्साइटेड रहेंगे मेरे को लग रहा है देखने के बाद। अब आप लोग ये क्वेश्चन कहते कि टीम 07 इसमें भी नहीं, क्योंकि टीम 07 इसमें रहेगी, और सबने अपनी अपनी लाइन ले ली है, क्या यार क्या लाइन ले रहा है, कौन किस चीज पे आ रहा है, सबके कैरेक्टर के साथ मैंने तो लाइन लिया, नहीं नहीं ये न्यू ईयर है, नहीं नहीं ये तो न्यू ईयर के सॉन्ग की बात है ना, तो अदनान मेरे को स्टार्ट से ही बोल रहा था कि मतलब एक पार्टी सॉन्ग करेंगे, बाकी उसने धर्म पहले किया तो अच्छा है, और धर्म में बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो उतना ही एक्साइटेड रहेंगे हम लोग मतलब पार्टी सॉन्ग के लिए भी, और बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था घर का, और सभी अच्छा खेल रहे थे, और अदनान भी अच्छा खेल रहा था, और वैसे वोटिंग वगैरह की भी तो हम लोग सुने कि अदनान को भी बहुत अच्छा वोट आया, बाकी किस्मत की बात है, जैसा जिसको था जिसको मिलना था वैसा उसको मिल गया, बाकी हमारी एक्सपेक्टेशन क्योंकि डिजिटल मीडिया वो हमारी कंपनी है, और हम लोग बहुत खुश हैं हमारी कंपनी से, और हमको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, अच्छे तरीके से उनके तरफ से हमको काम मिल रहा है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा बाकी इन्फ्लुएंसर लोग को भी कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको ब्रांड डील्स पता चलेगी कि आपको कितने में, क्योंकि हम स्टार्ट में हमें पता नहीं होता था कि ब्रांड डील्स कितने में लॉक होती है, कितना किसका कोड होता है, मगर क्योंकि ने हमें बताया कि क्या होता है और कैसे होता है, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट कंपनी है। एक साथ हम लोग खुद का ही शो कर लेंगे अगर आप लोग बोलो तो। इंशाल्लाह मिल जाए बिग बॉस में भी। किस जैसे के अगर कोई भी कंटेस्टेंट आप लोग अगर
पूरा ध्यान इस वक्त तो एस ऑफ स्पेस पे ही लगा था, आप शायद ध्यान देंगे, एस ऑफ स्पेस हो गया है तो बिग बॉस पे भी ध्यान देंगे हम लोग। नहीं, हम कपिल शर्मा के शो में तो अभी तक गए नहीं है, वायरल हो रही है कि हम लोग गए हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई शो में नहीं गए थे, अगर शो गए होते तो आपको एक्सप्लोर में ही मिल जाता सबसे पहले हमारा कोई भी क्लिप। एक्सप्लोर में इंस्टाग्राम पे या तो आपको यूट्यूब पे दो बार ऐसे स्क्रॉल करते तो मिल जाता, नीचे ही दिखता था। फैंस और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, इतना प्यार, धर्म पे इतने रिव्यूज आए उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, और मेरे भाई लोग साथ में एनी टाइम रहते, सो भाई लोग को भी दिल से शुक्रिया, और जितने लोग उसमें परफॉर्म किए, टीम नवाब, सोहू भाई, आमिर भाई, फैजल भाई, आज भाई, जितने भी भाई थे, लक्की भाई, बहुत सारे भाई थे, और इसमें ब्लू सेनोवा जो म्यूजिक प्रोड्यूस किए, और ड्रॉप आउट जो वीडियो शूट करे, सो ये सब लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और लास्ट मेरे जितने भी पब्लिक, एक एक बंदो, जो जो ने व्यू किया, जो जो लाइक किए, जो जो डिसलाइक किए, जो लोग कमेंट्स किए, सबको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, कम से कम गाने सुने वो शुक्रिया। अच्छी बात है, आपका एक्सपेक्टेशन भी रहना चाहिए अब्दुल रहमान, क्योंकि दिल से काम हुआ है और बहुत मेहनत गई है इस चीज़ में, मैं देख रहा था, मैं तो वो हिसाब से रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है लोगों का, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे टिकटॉक बनाए इस पे, क्योंकि टिकटॉक आपको पता है कि अभी सबसे नंबर वन ट्रेंडिंग ऐप चल रहा है, तो उस पर अच्छा प्रमोट होता है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ढेर सारे टिकटॉक बनाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, क्रिएटिविटी दिखाइए, हम अपनी स्टोरी पर ज़रूर डालेंगे जैसे हम सब सॉन्ग ही डालते हैं, तो बस आपका प्यार चाहिए। और इतने क्रिएटिव लोग हैं टिकटॉक पे, तो मैं चाहूँगा कि जैसे इतनी क्रिएटिविटी आप लोग दिखाते हो तो कुछ क्रिएटिविटी दिखाए, और जैसे कि बीच में मैंने स्टोरी डाला था दो तीन लोगों की, मेरे को बहुत अच्छे लगे, और इतना क्रिएटिव कंटेंट बनाया टिकटॉक पे, तो मैं भी चाहूँगा कि और वीडियोज ऐसे देखने को मिले, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ईजी है कंटेंट निकालना, जो हिसाब से मैंने गाना निकाला है उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो बनाओगे कोई कॉन्सेप्ट लेके, तो वो बहुत इजी पड़ेगा, आप कोई भी लाइन चूज करोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत इजी पड़ेगा अगर आप लोग उसके ऊपर बनाना चाहोगे। अगर हम कोई सॉन्ग पे, एल्बम सॉन्ग पे या कोई रोमांटिक सॉन्ग पे अगर हम कोई कंटेंट बनाते हैं, तो उसके लिए हमको सोचना पड़ता है कि हम इसमें कंटेंट क्या रखें, क्रिएटिविटी क्या दें जिससे वो वायरल हो, मगर ये सॉन्ग में अगर आप देखोगे तो सारी पूरी लिरिक्स लाइन से है, आपको पूरे कंटेंट भी रेडी है, आपको बस शूट करना है बस आपको शूट करना है, और इंशाल्लाह आप हम लोग का भी बहुत जल्दी टिकटॉक देखोगे इस सॉन्ग पे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। आप बताइए नाम में क्या चेंज हुआ है आपके, आप लोग बताइए। 7 किलो कम हो गया मेरे भाई का। मैं बताता हूँ चेंजेस किया है कि अभी ये कहीं पे भी अपना फोन छोड़ के चला जाता है, क्योंकि अंदर इसको फोन यूज करने मिलता नहीं था, तो अभी इसके ध्यान में भी नहीं रहता है फोन, उठ उठ के कहीं पे भी हम लोग रेस्टोरेंट में खाने पीने जाते हैं तो वहाँ पे भी अरे हाँ यार फोन भी लाया था, तो हम लोग अपने फ़ोन को 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते क्योंकि सारा काम इसी से, और ये 20 दिन के अंदर रह के आगे है ये, तो अभी अच्छा 1 महीने से ज़्यादा, देख प्यार ज़्यादा है मेरा प्यार ज़्यादा है इसके लिए, तो कम दिन दिखा मेरे को अभी थोड़ा और उम्र कम करने की कोशिश कर रहा है वो, बस उसको इसी चीज़ की खुशी है कि वो बड़ा है सबसे, बाकी छोटा दिखता है। You're welcome. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you.